गांव वनेवाल की 24 वर्षीय बेटी मनीषा भारत देश का तिरंगा 26 जनवरी को साउथ अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर फहराएंगी। इस चोटी की ऊंचाई धरातल से 19,340 फीट है। कैथल सिटी मॉल स्थित रेड रॉक जिम में पहुंची मनीषा ने बताया कि उसका सपना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर देश का तिरंगा फहराना है और इस सपने को पूरा करने के लिए वह अप्रैल मई में जा रही है। वह 3 अप्रैल से अपनी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने जा रही है, जिसके लिए उसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से एमबीए की पढ़ाई कर रही मनीषा ने बताया कि किलिमंजारो वह एवरेस्ट फतेह करने की उसकी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, उस कारण ही आज वह एवरेस्ट की चोटी फतेह करने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ही आज बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं। जी, मेरा नाम रामलाल है। मैंने 2013 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था और 2016 में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है अंडर वाटर साइकिलिंग में, और पीछे मैं बॉलीवुड में काम कर चुका हूँ मिशन सपने रियलिटी शो में। जैसे मनीषा से बात होती है तो मनीषा के अंदर एक जुनून है और जिद है, जिद ही जुनून है। जब जिस बच्चे के अंदर जिद होगी, जुनून होगा, वो उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, ये सब पॉसिबल करेगी। सुबह उठती है, प्रैक्टिस करती है, उसके बाद जितना भी काम होता है मेरे से बातचीत करती है। देखो, जिद है, जिद के आगे सब छोटा है। एवरेस्ट भी इसके आगे बोनी है कि एवरेस्ट है फिजिकली कम और मेंटली ज़्यादा, क्योंकि जब मेंटली प्रिपेयर होगा ज़्यादा तभी वो एवरेस्ट क्लाइम कर चुका है। कितना प्रैक्टिस करती है? सर वर्कआउट करते हैं सर 2 घंटे। तो कैसे रहता है सर, बिहेवियर कैसे रहता है? बिहेवियर सर बिल्कुल नेचुरल है, जैसे आम बच्चों का रहता है, बट इसके अंदर जिज्ञासा है कुछ करने की भी, मुझे कुछ करना है, और वो जो जिद है इसकी, उसके तरह उसको देखते हुए ना हम पूरे सपोर्ट कर रहे हैं कि रेड रॉक्स जिम जितना सपोर्ट कर सकती है इसको वहाँ तक जाने के। सर वहाँ पे पहुँचेगी, किलिमंजारो पे जाएगी और वहाँ जाके एकदम झंडा फहराएगी, तिरंगा फहराएगी, जैसे मोदी जी से प्रेरित है ये, तो सर हमें भी बहुत प्राउड होगा। विकास कोदारा। विकास, आपकी मनीषा का? मनीषा सिस्टर है मेरी जी। बताए कैसे इसके दिमाग में आया कि मुझे पर्वतारोही बनना है, आप लोगों का किस तरह सपोर्ट रहता है? इसके बचपन से ही दिमाग में था कि मेरे को पर्वतारोहण बनना है, मेरे को एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। पर्वतारोहण ही कम था, माउंट एवरेस्ट का बचपन से इसका था कि मेरे को माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में इसने जो सीरियल एक देखा, उसके बाद में जब स्टोरी आई अखबार के अंदर रामलाल जी की, तो उसको पढ़ करके उसको प्रेरित हुई और उसने कहा भैया मेरे को इनसे मिलना है और मेरे को जाना है यहाँ पर, तो उसके बाद पूरे परिवार ने इसकी सपोर्ट करनी शुरू की। आपका नाम? मनीषा। मनीषा क्या करती हैं? मैं MBA सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। पर्वत आरोहण का शौक आपको कैसे शुरू? ये मुझे बचपन से एडवेंचर मुझे अच्छा लगता है। तो फिर इसकी शुरुआत हर कोई कहीं ना कहीं इंप्रेस होता है, कैसे हुई? मैंने गूगल से सर्च किया तो मुझे HMI इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग से पता चला कि वहाँ होता है, फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया बेसिक कोर्स के लिए, एडवेंचर बेसिक कोर्स होता है माउंटेनिंग का, उसके लिए वहाँ अप्लाई किया, फिर मैंने वहाँ बेसिक कोर्स किया, फिर उसमें वहाँ मुझे एक ग्रेडिंग मिला। देन उसके बाद मैंने मई में किया है बेसिक कोर्स, उसके बाद मैंने अक्टूबर नवंबर में एडवांस कोर्स किया, उसमें मुझे एक ग्रेड मिला। अब मेरा 2019 में एवरेस्ट जाने का है। तो अभी क्या विचार है, अभी अगला प्रोग्राम क्या है आपका? अभी मैं एवरेस्ट जा रही हूँ, उस पर किलिमंजारो जा रही हूँ 21 जनवरी को, 26 को फ्लैगिंग करना है। और मैं अपनी ये यात्रा है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जिन्होंने स्टार्ट किया, नरेंद्र जी मोदी जी ने उन्होंने जो स्टार्ट किया है, उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ अपनी यात्रा। जैसे कि 26 जनवरी ही क्यों चुना, इसके पीछे कोई खास वजह? इसके पीछे खास वजह है कि आज तक ये किसी ने, हिंदुस्तान के किसी ने भी नहीं किया। जैसे ही वो राष्ट्रपति वहाँ झंडा फहराएंगे राजपथ पे, उस टाइम मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी 26 जनवरी को वहाँ अपना राष्ट्रीय वो करूँ, फ्लैगिंग करूँगा। तो एक साथ होना चाहिए। हाँ जी, एक, हाँ मेरा यही है अभी, और ये मैं अपनी यात्रा है पूरी नरेंद्र मोदी जी को उस समय वो करना चाहती हूँ। आपके आइकॉन कौन है जिससे आप सीख रहे हैं? ये मेरे विकास भैया है, विकास गोदारा है, और एवरेस्ट रोता ये रामलाल भैया। तो एवरेस्ट रामलाल से आपसे किस तरह संपर्क में है? ये मेरे जिया जी ने बताया कि ऐसे ऐसे है, मैंने जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा था लेकिन इतना वो नहीं था, ये टुहाना से है, मेरे जिया जी भी टुहाना से हैं, तो उन्होंने मुझे इनसे मिलवाया, फर्स्ट टाइम मैं आज ही मिली हूँ इनसे यहाँ। जैसा कि लड़कियों को ना घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, आमतौर उस तरह की बच्ची बाहर जाएगी, यानी पर्वतारोहण इसमें जिंदगी और मौत का भी सवाल हो जाता है, एवलेंच हो जाते हैं, बड़े बड़े खतरे होते हैं, तो घर वालों को आपने कैसे समझाया, कैसे मनाया इसके लिए? स्टार्टिंग में जैसे मैंने घर वालों को बोला तो घर वालों ने मना कर दिया, कहते बेटा मर जाएगी, कुछ और कर ले, MBA कर रही है, मेरी जॉब लगी थी, मैंने BTEC की उस टाइम मेरी जॉब लगी थी वो मैंने छोड़ दी,
तो घर वालों ने बोला एमबीए कर ले, एमबीए मैंने स्टार्ट कर दी फिर करने, लेकिन मेरा एडवेंचर का स्टार्टिंग से ही था। मैंने बोला कि मम्मी देखो करना है, एवरेस्ट पे मजा के मरना लिखा है, मौत लिखी है वहाँ, तो वहाँ मर जाना है, जहाँ मौत लिखी है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, तो मम्मी प्लीज़ जाने दो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, पापा हमेशा रेडी रहते हैं कुछ भी करो बोलते हैं, फिर मम्मी मान गई अभी तो। मतलब पापा ही सपोर्ट से आपको? हाँ। पापा क्या काम करते हैं आपके? पापा एसटीएफ में है, हरियाणा में है, पुलिस में। जब पुलिस में आपके पापा, तो आगे कैरियर में करना क्या चाहते हैं आप? मेरा माउंटेनिंग बनना सपना है, ये माउंटेनियर ही बनना है मुझे, एवरेस्ट फतेह करना है। हाँ जी।